हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज अपन अल्फाबेट टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर अपन ने कोडिंग डिकोडिंग कर चुके, कॉज एंड इफेक्ट कर चुके, अब अपन कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट। देखो मेरी बात सुनना, अल्फाबेट टेस्ट के अंदर चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन भी कम से कम दो तीन चार हर टाइप में डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना, देखो मेरी बात, अल्फाबेट जो टाइप है हमारा, अल्फाबेट टाइप के अंदर ये सीक्वेंस के बाद में इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको ढंग से समझ में आए, ठीक है। अल्फाबेट के अंदर चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीरीज ऑफ अल्फाबेट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन एंड वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज ऑफ अल्फाबेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखना मेरी बात, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, विच लेटर, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको कहते हैं सीरीज ऑफ अल्फाबेट। मतलब विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, मतलब सारी राम कथा गाता रहता है कि कोई लेटर बोल देगा और बोलेगा उसके लेफ्ट कितने, उसके राइट कितने, उसके 10 इतने, उसके 10 इतने में कौन सा लेटर आता है। तो इसे अपन कहते हैं सीरीज ऑफ अल्फाबेट के क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात, हमें कोई याद थोड़ी, हम तो सबसे पहले ए बी सी डी, एक बार सॉरी ऐसे करूंगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे लंबी बनाता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, चलो ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो मेरी बात, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले अपने पेपर में ये फटाफट बना लेना और इन क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना चालू करना है, पीछे से पढ़ना चालू करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को अपन को पीछे से पढ़ना है। अगर अपन ऐसे करेंगे ना, 16 टू द राइट ऑफ लेटर है कौन सा, अपन को पीछे से पढ़ना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई कहाँ पर है। देखो पीछे से अपन ने लेफ्ट ऑफ आई तो कोई मतलब बना नहीं, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। पहले अपन ने इसको पकड़ा, इसको पकड़ने के बाद आई कहां पर है, अपना आई ये रहा, ये क्या बोल रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई का लेफ्ट क्या हुआ, अपना लेफ्ट। देखो अपना और आई का लेफ्ट भी एक ही होगा, ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर रखो। अपना लेफ्ट कौन सा है, अपना लेफ्ट ये वाला है। तो फोर्थ, फोर्थ कैसे, वन टू थ्री फोर, तो अपन पहुंच गए ई पर, अपन पहुंच गए ई पर, अपन ने मार्क कर दिया। देखो थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं बहुत ढंग से कराऊंगा इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन का क्वेश्चन पढ़ना है पीछे से, पीछे से बोले तो आई पढ़ा, आई को मार्क कर दिया, क्या बोल रहा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई का लेफ्ट ये मेरा लेफ्ट है, वन टू थ्री फोर, अपन आ गए ई पे। फिर अपन ने क्या, फिर अपन ने पढ़ा क्वेश्चन, इज विच लेटर ऑफ द, अब देखो इसके बाद क्या है, 16 टू द राइट ऑफ द लेटर। अब देखो अपन ने पीछे से पढ़ा, पीछे से अपन ने ये मार्क कर लिया, अब ये बोल रहा है 16 टू द राइट ऑफ लेटर। अब इसका जो जहां पर अपन पहुंचे ना, इसका 16 टू द राइट में जाओ, 16 टू द राइट में चले, राइट मेरा ये वाला है, ये वाला। देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह आंसर हो गया ये। इसके इसके पीछे कोई क्वेश्चन है क्या, मतलब इसके पीछे भी पूछ रहा है कुछ, नहीं पूछ रहा है तो इसी लेटर को पूछ रहा था। दोबारा समझे, देखो इन क्वेश्चनों को अपन को पीछे से अटेम्प्ट करना है, लास्ट से अपन अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला, आई मार्क कर दिया, फिर अपन पीछे गए, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई मार्क कर दिया, ई आया, फिर अपन पीछे गए, फिर क्या बोलता है, 16 टू द राइट, 16 टू द राइट में गए, वन टू थ्री फोर करके आया यू। आंसर देखे इसका क्या है, आंसर देखें, ठीक है भाई, कहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो पता नहीं ना, चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर इसका वन का आंसर क्या है, यू है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर देखो हम क्वेश्चंस भी बहुत जल्द रिलीज करेंगे, एक बार हम कोर्स करा दे फिर क्वेश्चंस भी आएगी। अब देखना मेरी बात, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब भी, अब देखना इसमें ही कर ले क्या, इसमें ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इतना तो समझदार है ही। देखो सेकंड क्वेश्चन कहाँ है, सेकंड क्वेश्चन ले रहा, अपन दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है, इसमें गलती हो गई, एक मिनट रुको। देखो मेरी बात, विच पहले ए बी सी डी बना ले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
TUVWXYZ। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। फ्रॉम योर लेफ्ट बोला, इसके पहले अपन गए राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। सबसे पूरा सेंटेंस ये बन रहा है राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बना। फ्रॉम योर लेफ्ट किसका लेफ्ट? तो अपन ने दोबारा पीछे गए, दोबारा पीछे गए तो हमें क्या निकला, 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, ये भी नहीं सॉरी, ये 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से 13 लेटर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर पे पहुंच गए अपन लेफ्ट से। लेफ्ट से 13 लेटर लिया अपन, पहुंच गए एम। फिर अपन ने पीछे पढ़ा, पीछे क्या बोला, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ, ये स्टार्टिंग में गलत मार्किंग कर दी थी, 7th टू द राइट ऑफ। अब अपन इसको पढ़ा है 7th टू द राइट ऑफ। देखो दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, एक लास्ट वाला पार्ट होता है। इसमें लास्ट वाला पार्ट था 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई, और फिर था 6th टू द राइट ऑफ दिस थिंग। अब क्या है, अब ये 13 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट मार्क कर दो, फिर 7th टू द राइट, इसके 7 चल जाओ राइट में। इसका राइट कौन सा, ये 7th गए, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या हो गया, यही तो पूछ रहा है आंसर, यही आंसर हो गया टी। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर क्या है, सेकेंड का टी है। ठीक है, तो मेरी बात दोबारा सुनो। इसमें क्या होता है कि दो पार्ट में, सीरीज ऑफ अल्फाबेट के पार्ट में, दो पार्ट में क्वेश्चन होता है, एक तो ये वाला पार्ट, एक दूसरा वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक दूसरा वाला पार्ट। अपन को पीछे से चालू करना है, पीछे से चालू करने के बाद ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही देख लेते हैं क्या दिक्कत है, अब समझदार तो है ही अपन। ठीक है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट वॉज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। अब देखो मेरी बात, आधे अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब समझ में आया? आधे अल्फाबेट कहां पर खत्म होते हैं? देखो 26 अल्फाबेट होते हैं, अपन 13 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आधे अल्फाबेट है, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 वो 13 ये। अब ये कौन सा हाफ बोल रहा है, फर्स्ट हाफ तो ये आएगा, सेकंड हाफ ये होगा, ये वाला तो होगा फर्स्ट हाफ, ये होगा सेकंड हाफ। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ को उल्टा करके लिखो। अरे भाई जो क्वेश्चन बोलेगा बात तो मानेंगे, लिख देते हैं उल्टा करके, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, उल्टा करके लिख दिया, और बाकी इसको थोड़ी बोला है, फर्स्ट हाफ को बोला है, ये एज इट इज अपन ने लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अपन ने स्टार्टिंग से क्यों पढ़ा, क्योंकि सबसे पहले इसने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है कि पहले ये करो फिर क्वेश्चन पढ़ना, इसलिए अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ा। पढ़ना दोनों तरफ से अटेम्प्ट हमें लास्ट से करना होता है, पर इसमें अपन ने स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखी है, वो सॉल्व कर ले फिर अपन लास्ट से अटेम्प्ट करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, वुड 19th फ्रॉम योर राइट, हमारे राइट से 19th, हमारा राइट है ये वाला बोले तो लास्ट वाला। अब देखो 19th राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देखो कुछ गलती हुई है, एम एन ओ पी क्यू आर, आर गायब हो गया था, अब दोबारा करें। ठीक है, अब यार ये अल्फाबेटिक मिस्टेक तो नेचुरल है। ठीक है, 19 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आंसर क्या हो गया, एफ आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो चार पैटर्न है, अपन ढंग से चार पैटर्न पढ़ेंगे उसके बाद क्या दिक्कत है। अल्फाबेटिक टेस्ट नाम है इसका मॉड्यूल में, अल्फाबेटिक टेस्ट नाम है। पहले अपन कर रहे हैं सीरीज ऑफ अल्फाबेट को अटेम्प्ट करने की, सीरीज ऑफ अल्फाबेट कैसे, आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन आप ज्यादा कराओ, कॉन्सेप्ट भी समझाओ और क्वेश्चन भी कराओ, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, सीरीज ऑफ अल्फाबेट के अंदर क्या होता है, अटेम्प्ट हमें लास्ट से करना है, पर अगर कोई पहली में टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है तो अपन को फिर पहले वो टर्म्स एंड कंडीशन को करना है, फिर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड करके लास्ट से अपन अटेम्प्ट करेंगे। अगर फ्रॉम योर लेफ्ट या फ्रॉम योर राइट बोलेंगे, इसका मतलब हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, ए या फिर जेड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में चलो, कोई भी डाउट हो पिंग कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फोर्थ में चलो, विच लेटर विल बी द 6th टू द राइट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम योर,
फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द एल्फाबेट। ठीक है, अब देखो मेरी बात, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहां से डिवाइड करते हैं? 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड इज द लास्ट पार्ट एंड द 6th टू द राइट इज द फर्स्ट पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा लास्ट पार्ट है एक तरीके से, और ये फर्स्ट पार्ट है, पर हमें लास्ट से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्या बोला? 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ योर अल्फाबेट, हमारी अल्फाबेट का राइट हैंड। राइट बोले तो ये पेन वाला हाथ, इसका 11th, 11th पे चलो, इसके 11th पे चलो। क्या बोल रहा है ये? देखो 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 11th पे चलो। 11th पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P पे पहुंच गए। किस पे पहुंच गए? P पे। फिर अपन ने पढ़ा, फिर क्या बोलता है? 6th टू द राइट ऑफ P, 6th टू द राइट ऑफ दिस, ये क्या है? ये P है, 6th टू द राइट ऑफ P, इसके 6 राइट में। राइट बोले तो ये 1 2 3 4 5 6, 6। आंसर क्या हो गया? वी। देखो आंसर क्या हो गया, फोर्थ का आंसर क्या हो गया? वी। हम कॉन्सेप्ट समझो, आंसर हो सकता है कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हो जाए, पर हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें अटेम्प्ट करना आता है, क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे स्कोरिंग है, जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा अल्फाबेट बनाने के बाद ड्रॉ करते जाओ। लास्ट से अटेम्प्ट करो, 11th फ्रॉम द राइट ऑफ पी करा, फिर क्या बोला? 6th टू द राइट ऑफ पी कर दो, 6th ले गए, आंसर अपने आप आ गया। हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इन क्वेश्चन में, क्लॉक कैलेंडर में फिर भी फॉर्मूला रटना पड़ता है, इसमें तो अपन को कुछ करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ वो ही करना है। देखो व्हाट विल बी द मिडवे बिटवीन द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। अब देखो सबसे पहले क्या एंड आ गया बीच में, मतलब दो अलग अलग चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले अपन 18th लेटर फ्रॉम योर राइट निकाल लेते हैं। राइट बोले तो पेन वाला हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके पहले क्या बोल रहा है? 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 15 लेफ्ट बोले तो ये उल्टा वाला हाथ, 15th लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ आ गया। अब क्या बोल रहा है? इन दोनों का मिडवे निकालना है, आई आई और ओ का मिडवे। मिडवे बोले तो बीच का पॉइंट। देखो क्या लिखा है, विच लेटर विल बी द मिडवे बिटवीन द 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम द राइट, इन दोनों का बीच क्या होगा? देखो लेटर काटते जाओ, इधर से एक काट दिया, 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 अब बचा क्या? एल। तो मिडवे क्या हो गया इसका? एल। आंसर क्या हो गया? एल। चेक करो, आंसर है एल। तो हमने सीरीज वन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, हमने सीरीज वन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली अल्फाबेटिक टेस्ट में। सीरीज वन में हमको जो क्वेश्चन बोलता जाए सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करना है, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाना, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? हमने सीरीज ऑफ द अल्फाबेट कंप्लीट कर ली, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को डीएम कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें सॉल्व करना है पीछे से, जब तक कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दे रखी हो। क्वेश्चन पढ़ना तो हमें दोनों तरफ से है, क्वेश्चन पढ़ना तो हमें स्टार्टिंग से, पर हमें सॉल्व कहाँ से करना है? पीछे से सॉल्व करना है, ठीक है? वो वीडियो जूम में शूट हो गए पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लैरिटी अच्छी है, ठीक है? अब देखो मेरी बात, अपन ने सीरीज वन कर ली, अब सीरीज टू अपनी क्या बोलती है? लेटर गैप बोलती है। अल्फाबेटिक के अंदर चार टाइप है, हमने टाइप वन कंप्लीट कर लिया, हम सेकेंड टाइप भी कर लेंगे, फिर अपन मॉड्यूल भी देख लेंगे, अल्फाबेटिक आज कर लेंगे कंप्लीट, और उसके बाद अपनी शीट भी अपन दे देंगे और शीट भी अपन कर लेंगे, ठीक है? अब देखो एक मिनट रुको, लेटर गैप इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, आर देयर इन द वर्ड, कोई वर्ड दिया होगा, विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द सेम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो मेरी बात, इसमें बहुत लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते और उनको कोई पता नहीं कितने कितने रूल्स हो रहे होते हैं, क्या क्या होता है, मेरे को नहीं पता। मैं तो सिर्फ जनरल वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और वही मैं सबको रेफर करता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, मान लो कोई वर्ड है, अपन बेसिक से चले गए, बेसिक कोई छोटा वर्ड बताऊँ, बैग, ठीक है, बैग ही ध्यान आया, बैग, ठीक है? अब देखो मेरी बात, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड
बैग विच हैव सेम एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द, देखो इसका क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी तुम समझ में जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि ये बैग है ना, बैग मतलब सीक्वेंस में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं। देखो सीक्वेंस में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है। देखो ए के बाद बी आता है और यहाँ पर भी ए के बाद या पहले जो भी बोलो, मतलब बी दे रखा है। देखो दोबारा समझो, एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसको समझने के लिए देखो, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए के बाद बी आता है ना, तो ये इसका कहने का, इन क्वेश्चनों का कहने का मतलब ये है कि अपन, और दोबारा अपन चेयर्स से समझते। देखो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले अपन समझे अटेम्प्ट कैसे करना है। CHAIRS, चेयर्स, CHAIRS। देखो अपन सबसे पहले लेटर पे चलेंगे, फर्स्ट लेटर को लेके चलेंगे और फिर जो लेटर लिखा है ना उससे काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो इसके पीछे नहीं चलेंगे, इसके आगे चलेंगे। सी के बाद अपन गए डी, फिर आगे बढ़े अपन ई एफ जी एच, कहीं पर भी सेम नहीं मिला, ठीक है। फिर अपन गए एच के पास, एच के आगे चले, एच के बाद क्या आता है आई जे के एल, कहीं पर भी सेम नहीं मिला। फिर एच के अपन पीछे गए, एच के बाद क्या आता है आई, सेम नहीं मिला। फिर अपन गए ए के बाद, ए के बाद पहले तो आगे चले गए, ए के बाद क्या आता है बी सी डी, सेम नहीं मिला। फिर अपन ए के से पीछे चले गए, ए के बाद क्या आता है बी सी ओ, सेम मिला, सेम मिला, ठीक है। तो इसको मार्क कर दिया। फिर अपन आई के पास चले गए, आई के बाद क्या आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई के बाद आता है जे के, कुछ नहीं मिला। फिर आई से अपन पीछे चले गए, जे के बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला। फिर अपन आर को ले गए, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस, और आर के बाद तो एस आता है और यही दे रखा है, ठीक है। फिर अपन आर से पीछे चले गए, आर के बाद क्या आता है एस टी यू वी, सेम नहीं दे रखे। फिर अपन चले गए एस के बाद, एस के आगे तो कुछ है नहीं तो चले गए पीछे, एस के बाद क्या आता है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, दो पेयर बन रहे हैं, दो पेयर वैसे ही बन रहे हैं जितना गैप इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर होता है। आर के बाद एस आता है, इसमें भी आर के बाद एस ही आ रहा है, कितने गैप पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, +1 का गैप है। और इंग्लिश अल्फाबेट में भी कितने का गैप होता है, इतने का ही गैप होता है। ए और सी के बीच में कितने का गैप है, +2 का गैप है, और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने का गैप होता है, +2 का ही होता है। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसे कितने वर्ड बन रहे हैं जिनके बीच में गैप उतना ही है जितना इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत ईजी है। हो कुछ लोग हो गए जो स्किप करके चले गए होंगे, पर समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चन करोगे तो ट्रिक समझ जाओगे और क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है ये समझ जाओगे। देखो दोबारा सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन ये बोलता है कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिनकी ओरिजिनल डिस्टेंस उतनी ही है जितनी उसके इंग्लिश अल्फाबेट में होती है। आर के बाद इसमें भी एस आ रहा है +1 पे, और इंग्लिश अल्फाबेट में भी +1 पे एस आता है। ए के दो प्लस में, अब देखो इसमें ज्यादा माइनस वाला दिमाग मत लगा ना, हम तो ए के पीछे चल रहे हैं, ए के पीछे कुछ होता नहीं है, वो दिमाग नहीं लगता इसमें। ए के बाद सी आ रहा है, चाहे आगे आ रहा हो पीछे आ रहा हो, कितने डिस्टेंस में आ रहा है, 2 के डिस्टेंस में आ रहा है। और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने के डिस्टेंस में आता है, 2 के डिस्टेंस में ही आता है। इसका आंसर देख लेते, हो सकता है मैं गलत हूँ। 1 का आंसर क्या लिखा है, 2, ठीक है। चेयर्स का आंसर क्या लिखा है, 2। अब देखो मेरी बात, सेकेंड, अब अपन बैक के पास चलते हैं दोबारा। बैक बी से आगे चले, सी डी, देखो अल्फाबेट काउंट करते हुए आगे ही जाना है, ऐसा मत करना ए से पीछे चल रहा हो तो ए से पीछे कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं। बी से आगे चले सी डी, नहीं है सेम। फिर ए के पास गए, पहले तो आगे गए ए के बाद बी, फिर पीछे गए ए के बाद बी, ओ सेम है। फिर जी के बाद गए, जी के आगे कुछ है ही नहीं। फिर जी के पीछे गए, जी के बाद क्या आता है ए बी सी डी एफ जी एच और आई, दोनों सेम है, सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो तो इसमें कितने पेयर ऐसे हैं, 1, इसमें कितने पेयर ऐसे हैं, 2 पेयर है, आर एस और ए और सी, ठीक है। अब एक कम्युनिकेशन और देखते हैं, ठीक है। फिर तुम चाहोगे तो और एक डाउट सेशन अपन ले लेंगे, चिंता मत करो, लॉजिकल का यार एक बार कॉन्सेप्ट हो तो समझ जाओ, ठीक है। फिर डाउट सेशन भी अपन ले लेंगे।
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कॉरेस्पॉन्डेंस डाल दिया है, जाके देख लो, ठीक है। कम्युनिकेशन सी, पहले अपन सी से आगे चले, सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच आई, आई 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 के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ, सेम नहीं आया। फिर ओ के बाद चले, ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी सेम नहीं है। ओ के पीछे भी तो जाना है, एम एन ओ, ओ के बाद क्या आता है, पी, सेम नहीं है। फिर एम के पास गए, एम के बाद क्या आता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू टी, एम के बाद क्या है, ये रहा ये रहा टी, ये रहा, ठीक है। और एम से पीछे, एम के बाद पीछे चले गए तो एन ओ नहीं है। फिर एम के पास गए, एम इस एम ने क्या बोला, एम के आगे चले, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, कुछ नहीं है। इसके पीछे चले, एम के बाद एन ओ पी ओ, एम और ओ सेम आए। देखो तीन तो पेयर बन गए अभी तक, और देख लेते हैं। यू के बाद क्या आता है, बी सी डी अजय लमन क्यू आर एस टी यू, यू के बाद आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, खत्म, इसके आगे नहीं जाना। यू के बाद और क्या आता है, यू के बाद चले ए बी सी मैंने क्यू आर यू एस टी, यू के बाद एस ए बी, एक मिनट रुको, यू के बाद क्या आता है, भूल जाते हैं यार, अल्फाबेट लिख लेना। यू के बाद आता है अपने वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू के बाद आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं आए। अब चले एन के पास, एम एन एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं है। यू के बाद एन के बाद एन के पीछे चले, एम एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, नहीं है। अब आई, आई से आगे चले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं है। आई के पीछे चले, ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल एम 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 एम, आई और एम, आई और एम, आई एम एन ओ, ठीक है। अब सी के बाद चले, सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच, सी के पहले डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं है। देखो टाइम लगेगा पर समझ आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद चलो, बी सी डी ई, कुछ नहीं है। बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ नहीं है। टी, ये क्या है, टी है ना, टी के बाद चलो, ए बी सी डी जाए चलो, मैंने क्यू आर एस टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं है। आई के बाद ए बी सी डी एफ जी एच, आई के बाद जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं है। ओ के बाद चलो, ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ के बाद आता है पी, नहीं है। फिर पीछे चलो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं है। फिर एन के बाद चलो, एन का क्या है, एन के बाद आता है एम एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं है। टोटल कितने पेयर बने, देखो समझ में आया ना, किसी भी अल्फाबेट, हर अल्फाबेट को पकड़ के आगे चलो और पीछे चलो, जो सेम हो जाए वो पेयर हो गया, जो सेम हो जाए पेयर हो गया। सी को मैं पकड़ के आगे लेकर गया, डी ई एफ जी एच आई, आई आ गया, और आई सेम है तो मैंने पेयर कर दिया, आगे भी लेके जाना है पीछे भी लेके जाना है। कितने पेयर हुए, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर, फाइव पेयर, सिक्स पेयर। और हमारे ऑप्शंस जो थे ना इस क्वेश्चन के, उसमें लिखा था कि दो पेयर हो गए या पांच से ज्यादा पेयर होगी, तो टोटल छह पेयर हो गए, तो आंसर क्या हो गया, फाइव प्लस, मतलब फाइव से ज्यादा पेयर हो गए। सिक्स भी लिख सकते हो, फाइव प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन ने ये कर लिया, अपन आगे होराइजन करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो इतना हो गया, अब सी एस ई टी होराइजन होमवर्क कर लो, सी एस ई टी में बताता हूँ, ठीक है। सी एस ई टी क्या है, सी के बाद सी को पकड़ा अपन ने, आगे चले, सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी, ई आया ना, तो ये एक पेयर हो गया। सी के बाद डी ई, ये एक पेयर हो गया। एस के बाद चले,
एस के बाद कहते हैं एम एन ओ पी क्यू आर, एस के बाद आता है टी यू वी, नहीं हुआ, एस के बाद आता है ए बी सी डी एफ जी एच एम एन ओ पी क्यू आर एस, के बाद आता है टी, नहीं हुआ, ई के बाद आता है एफ जी, नहीं हुआ, ई के बाद आता है एफ जी, नहीं हुआ, ई के बाद आता है एफ, नहीं हुआ, ई के बाद आता है एफ जी एच, नहीं हुआ, टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं हुआ। तो कितने पेयर हो गए? एक पेयर हो गए। होराइजन खुद करना बहुत ईजी है, मजा आएगा करने में, ठीक है? कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, चलो मैं कर देता हूँ। एक पेयर का करूँगा, सिर्फ एक पेयर आते ही बंद कर दूंगा। होराइजन, ठीक है। एच के बाद क्या आता है? ए बी सी डी एफ जी एच। एच के बाद आता है आई जे के एल एम एन। लो, एक पेयर आ गया। ओ के बाद एम एन, ओ के बाद आता है पी क्यू आर एस टी, पी ओ एम एन ओ पी, आर के बाद आता है एस टी यू वी, आर के बाद आता है एस टी, आई के बाद आता है जे के एल, जे के एल, जेड के बाद आता है ए बी सी डी एम एन क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ओ के बाद आता है एम एन ओ, के बाद आता है पी पी क्यू आर एस टी, एन के बाद आता है, एन के बाद आता है ओ एम एन ओ पी क्यू आर। कितने पेयर हो गए? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। आंसर क्या है? थ्री का आंसर क्या है? देखो, थ्री का आंसर है होराइजन का चार, और चार का आंसर है एक, सी एस ई टी वाला, ठीक है? कर लिया, दो टाइप अपन ने कर ली। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, दोबारा समझा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। मैंने फर्स्ट टाइप के पांच क्वेश्चन ले लिए, सेकंड टाइप के मैंने आपके चार क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, हेजिटेट मत करना। देखो, फोर्थ टाइप तो है तुक्के वाला, वो अपन अभी करेंगे, तुम्हारे मतलब तुक्के की बात है, लक की बात है फोर्थ टाइप। अभी अपन करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं? डिक्शनरी पे क्वेश्चन आते हैं, डिक्शनरी पे बेस्ड। अगर कभी डिक्शनरी तुमने ढूंढी होगी तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डिक्शनरी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है? डिक्शनरी पर कैसे बेस्ड होते हैं? देखो मेरी बात, ये पांच चीज दे रखी है, ये पांच वर्ड दे रखे है, बोलता है कि इसको अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो, सबसे पहले अपन करेंगे सबसे इजी वाला, सेकेंड वाला क्वेश्चन। देखो, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड पिक द वर्ड दैट कम्स फर्स्ट। देखो, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी में जो स्टार्टिंग से चालू होता हो, कैसे? एफ से, नहीं, सी से चालू होने वाला फर्स्ट आएगा, तो ये फर्स्ट आया। सेकंड कौन सा आएगा? सी के बाद आता है डी, तो है नहीं, ये एफ है, एफ आएगा। फिर आता है एम एन, एन आएगा नेम, फिर आएगा शेम। मतलब अल्फाबेटिकल जो डिक्शनरी में ऑर्डर आते हैं ना, वैसे अपन ने अरेंज कर दिया। और फिर क्या बोल रहे हैं? पिक द वर्ड दैट कम वन, आंसर हो गया केम। ये फर्स्ट आया तो आंसर हो गया अपना केम, आंसर हो गया केम, ठीक है? अब देखो, इसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या है? इसमें क्या है? पिक द वर्ड दैट कम्स लास्ट, अरेंज करो। बी आएगा पहले, बिजनेस आएगा, ये बिजनेस लिख दिया, बिजनेस लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा? बिजनेस के बाद क्या आएगा? सी आएगा, सी में दो है, देखो सी में तीन है। जब तीन हो ना तो उसके आगे वाला वर्ड देखा करो। देखो, डिक्शनरी यूज करोगे ना तब पता लगेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूँ। सी सेम है तो अपन आगे वाले वर्ड को जज करेंगे, आगे वाले में वर्ड कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच एम एन ओ पी क्यू आर एस एम एन ओ। एस तो आ ही नहीं रहा, सबसे पहले ओ आ रहा है, पर ओ भी सेम है तो ओ को भूल जाओ। फिर आगे देखो, एन और एम में से पहले कौन आता है? एन और एम में से पहले आता है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन। एम पहले आता है तो एम आएगा, तो इसका मतलब कंपनी पहले आएगा इससे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फिर अपना सी एस ई टी आएगा, फिर अपना सी वाला काम हो गया, फिर आएगा अपना ए बी सी डी एफ जी एच, एल आएगा लेक्चर, लेक्चर आएगा, फिर आएगा अपना टॉट, फिर आएगा अपना यूट्यूब, तो लास्ट में कौन आया? यूट्यूब। जीता कौन? यूट्यूब। आंसर क्या हो गया? यूट्यूब। समझ में आया? नहीं आया? डिक्शनरी पर बेस्ड है ये थिंकिंग, ये चीजें डिक्शनरी पर बेस्ड है कि आप कैसे करते हो। अब देखो, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करना। इसमें क्या हो रखा है? इसमें सब आर ए से चालू होते हैं, सब आर ए से चालू होते हैं। और इसमें देखो, मैं बताऊँ, ओरली कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन, मैंने आर ए को इग्नोर मार दिया,
सब आर ए से चालू होते हैं, तो इसका मतलब आर ए का तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे इग्नोर मार दिया मैंने, ठीक है, इग्नोर मार दिया आर ए को। अब उसके बाद क्या देखा, उसके बाद देखा डी डी सी डी डी, मतलब ए बी सी आएगा पहले, नंबर वन तो ये आया। फिर देखा इन सब में डी डी आया, तो मैंने डी को इग्नोर मार दिया, मैंने डी को इग्नोर मार दिया, मैंने डी को इग्नोर मार दिया, मैंने डी को इग्नोर मार दिया। फिर मैंने ए बी सी डी चालू करी, तो ए ये तो इसमें आई आ रखा है बीच में, देखो तो ए से कौन है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ये तो अपना वन हो ही चुका है, इसमें आई है, इसमें ए है, तो इसको अपन ने सेकेंड कर दिया। इन तीनों में आई है, आई को इग्नोर मार दिया, आई को इग्नोर मार दिया, आई को इग्नोर मार दिया। फिर ए बी सी डी चालू करी, तो इसमें ए है, इसमें सी है, इसमें यू है, तो अपना 3 4 5, अब निकाल लो इनका मिडल, ठीक है, दैट कम्स इन द मिडल, मतलब 1 6 5 का मिडल क्या हुआ, 2 इधर 2 इधर, 3 मिडल हुआ, तो आंसर क्या हो गया, ये समझ रहे हो। तो अपन ने तीनों टाइप कर लिए अल्फाबेटिक टेस्ट में, अपन ने तीनों टाइप देख लिए, इनकी वर्कशीट भी आएगी अल्फाबेटिकल टेस्ट का, मैंने आपको सारा बेसिक बता दिया है, सारा बेसिक बता दिया है, ठीक है, सारा बेसिक बता दिया है। अब देखो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, लास्ट टाइप है अपना प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, 1 मिनट, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन। देखो ये लक्का है, लक्का किसे है, रैंडम वर्ड दे रखा है और बोलता है कि ये एक स्पोर्ट होता है, अब ये एक गेम होता है, तुम इसको आइडेंटिफाई कर सको तो कर लो, और उसका फर्स्ट और थर्ड लेटर आंसर में लिख दो। ऑप्शंस आते हैं, देखो इसके ऑप्शंस कैसे आएंगे, ए होगा, बी होगा, बी होगा, डी होगा, एन होगा, पी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। एक रैंडम वर्ड दे रखा है रैंडमाइज करके, इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर स्पोर्ट और गेम देन व्हाट वर्ड विल बी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। ये कोई एक गेम है, हमें नहीं पता कौन सा गेम है, पर कुछ लोगों को देखते ही ध्यान आ जाएगा ये तो बैडमिंटन है, ये तो तुक्के वाली बात है, देखो इसे तो पढ़ा नहीं सकते। फोर्थ टाइप तुक्के का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप स्कोरिंग है, 100% स्कोर आ सकते हैं, फोर्थ टाइप तुम्हारे लक का है, तो ये बैडमिंटन गेम है। बैडमिंटन की स्पेलिंग क्या होती है, BADMINTON, तो अब ये क्या पूछ रहा है, देन वॉट विड वी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट और थर्ड लेटर कौन सा है ये, तो आंसर क्या हो गया, BOD, समझ रहे हो, तो ये तुक्के वाली बात हो गई। अब देखो एक और क्वेश्चन इसके बेस्ड, सुपर फ्लॉलेस दे रखा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग फर्स्ट थर्ड सेकंड नाइन्थ लेटर ऑफ दिस वर्ड। अब देखो ये बोल रहा है इसका फर्स्ट लेटर तो हो गया एस, थर्ड लेटर हो गया, सेकंड लेटर हो गया यू और पी, और नाइन्थ लेटर हो गया हमारा यू, तो ये बोल रहा है इन चारों लेटर को यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। देखो भाई जहां तक मेरे को इंग्लिश आती है ना, मेरे को तो सूप पता है एक वर्ड, और बाकी मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती, तो मेरे को दिख नहीं रहा कितने वर्ड बनेगा, तो ये तुक्के वाली बात हो गई। इसका आंसर तो है 1, क्योंकि सूप के अलावा कोई और वर्ड इसमें बनेगा नहीं, पर किसी को नहीं पता कि कितने बन सकते, हो सकता है किसी और को और आता हो इन चार वर्ड में से रैंडमाइज करके वर्ड बनाना, मेरे को तो नहीं आता, तो ये क्वेश्चन अपना तुक्के वाला है, चार टाइप में से फोर्थ टाइप हर किसी को नहीं आएगी, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ये तो तुम उस टाइम क्या होता है ये किसी को नहीं पता, और ये उस टाइम पर ही बेस्ड है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, मॉड्यूल देख लें, अल्फाबेटिकल टेस्ट हो गया, अल्फाबेटिकल टेस्ट में चार टाइप हो गई, पहले टाइप के अंदर जैसा क्वेश्चन बोले कि 11th लेफ्ट से, 11th राइट से, ये है वो है मिडल है, जो भी बोले कर देना यार, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन की बात मानना तो अच्छी बात है। फिर लेटर गैप वाली प्रॉब्लम हो गई कि इसके अंदर कितने गैप है, चेयर्स में कितने गैप है, ये मैंने बता दिया। वर्ड फॉर्मेशन वाली हो गई, बैडमिंटन वाली, फेम शेम हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, चारों टाइप मैंने बता दी। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे, कितने दे रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, 3 ही दे रखे हैं। उसके बाद अपनी अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इन 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। पहला क्वेश्चन सुपर फ्लोरस वाला है, दूसरा क्वेश्चन हमारा वही है पहले फर टाइप 1 वाला, और ये वाला भी हमारा टाइप 1 वाला है, जैसा बोले वैसा करते जाओ। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल टेस्ट, एक और चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच, जो नए लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद मेरे को मैसेज कर देना, मैं नोट्स भेज दूंगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अपडेट्स, ठीक है, थैंक यू।